मूवी के शुरुआत में हम देखते हैं कि ड्रैकुला और बैन हेल्सिंग लड़ रहे थे। दरअसल ड्रैकुला शहर के लोगों को गुलाम बनाकर खाना चाहता था और अपना डर शहर के लोगों के बीच बनाए रखने के लिए वो आए दिन किसी न किसी को मारा करता था, और इसीलिए बैन हेल्सिंग ड्रैकुला के पीछे पड़ा था ताकि वो ड्रैकुला को मारकर लोगों के बीच उसका डर खत्म कर सके। बैन हेल्सिंग ड्रैकुला को मार तो देता है, लेकिन लड़ाई के वक्त वो घायल होने के कारण कुछ दिनों बाद वो भी मर जाता है। आगे हम एक आदमी को देखते हैं जो कि ड्रैकुला का गुलाम था और उसके लिए शिकार लाने का काम किया करता था। वो ड्रैकुला के मरने के बाद उसकी राख को इकट्ठा करता है और उसे चर्च में ले जाकर दफना देता है, जिससे वो चर्च अपवित्र हो जाता है। मूवी का टाइम थोड़ा आगे बढ़ता है और हमें 1972 का समय दिखाया जाता है। यहाँ हम जोई को देखते हैं जो अपने दोस्तों के साथ एक पार्टी में आया हुआ था। चार्ली की मॉम टीना जोई को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो बहुत ही मजाकिया और शरारती किस्म का इंसान था, और जब भी वो उनके घर आता तो कोई ना कोई नुकसान जरूर करता था क्योंकि जोई और उसके दोस्तों ने टीना की पार्टी खराब कर दी थी। इसीलिए वो उसकी बेइज्जती करती है और उसे अपने दोस्तों के साथ पार्टी से निकल जाने के लिए कहती है। अपने मॉम की दबाव में आकर चार्ली भी पुलिस को फोन कर देता है, लेकिन पुलिस आए उससे पहले ही जोई और उसके दोस्त वहां से निकल जाते हैं। अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि जोई के साथ उसके दोस्त जॉनी, एना, बॉबी और जेसिका एक पार्टी में जाते हैं। वहां पर जोई का दोस्त जॉनी सबसे कहता है कि हमें जिंदगी में कुछ अलग करना चाहिए। जोई उससे कहता है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, जिस पर जॉनी जवाब देता है कि क्यों ना हम डेविल के साथ एक डेट करें, मुझे सारे रिचुअल्स पता है और मैं ये कर सकता हूँ। उन सबको लगता है कि जॉनी उनके साथ मजाक कर रहा है, इसीलिए सब के सब जॉनी की बात को इग्नोर कर देते हैं। मगर जॉनी उनसे कहता है कि शैतान सच में होते हैं, तुम लोग मेरा साथ तो दो, मैं तुम्हें दिखा भी सकता हूँ। पहले तो जॉनी की बात से कोई भी सहमत नहीं होता, लेकिन काफ़ी रिक्वेस्ट करने पर सभी के सभी लोग मान जाते हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि सब के सब लोग एक जगह पर पहुंचे हैं जो कि एक शमशान घाट था। जेसिका को वहां पर अपने ग्रैंडफादर यानी कि बैन हेल्सिंग की कब्र मिलती है, जिसे देखने के बाद जेसिका काफ़ी डर जाती है, लेकिन जेसिका का बॉयफ्रेंड यानी कि बॉबी उसे संभाल लेता है। अब हम बाकी लोगों को देखते हैं जो कि वहां पर पहुंच चुके थे। सब लोगों के आ जाने के बाद जॉनी शैतान को बुलाने की रिचुअल शुरू कर देता है। रिचुअल को पूरा करने के लिए जॉनी को एक लड़की की जरूरत थी, जिसके लिए वो अपनी गर्लफ्रेंड एना को बुलाता है। एना के जमीन पर लेटते ही जॉनी उसके सीने पर एक पीतल का कटोरा रख देता है और उस कटोरे में मरे हुए ड्रैकुला की राख डालकर अपने खून के साथ मिला देता है। देखते ही देखते कटोरा भर जाता है और सारा खून एना की बॉडी पर गिर जाता है। ये सब कुछ देखने के बाद सबके सब लोग डर जाते हैं और अपनी जान बचाकर यहाँ वहाँ भागने लगते हैं। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जॉनी एक शैतान का पुजारी है और ये सारा नाटक उसी का रचाया हुआ है ताकि वो ड्रैकुला को फिर से जिंदा करके उससे अमरता का वरदान ले सके। जैसा जॉनी चाहता था ड्रैकुला बिल्कुल वैसा करता है और जॉनी को एक वैम्पायर में बदल देता है। जॉनी को वैम्पायर बनाने के बाद ड्रैकुला एना को हिप्नोटाइज कर देता है और उसके बॉडी का सारा खून पी लेता है। इस घटना के अगले दिन बॉबी, जेसिका और उसके दोस्त एक क्लब में मिलते हैं और ये सारी बातों के ऊपर डिस्कस करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जॉनी आ जाता है। जॉनी को अकेला देख सभी लोग उसको एना के बारे में पूछते हैं, जिस पर जॉनी इनसे कहता है कि एना की तबीयत बहुत ख़राब है और इसीलिए ये अपने घर पर आराम कर रही है। आगे हम एक बच्चों के ग्रुप को देखते हैं जो कि एक चर्च की दूसरी तरफ फुटबॉल खेल रहा था। फुटबॉल खेलते हुए उनकी बॉल चर्च के अंदर चली जाती है और जब वो फुटबॉल लेने के लिए अंदर जाते हैं उनको एना की लाश मिलती है जो कि पत्थरों के बीच दबी हुई थी। उस लाश को देखकर बच्चे काफ़ी घबरा जाते हैं और डर के मारे वो पुलिस को बुला देते हैं। कुछ ही देर में पुलिस यहाँ पर आ जाती है। लाश की अच्छे से जांच करने के बाद पुलिस वालों को यह पता चलता है कि एना की बॉडी से किसी ने सारे का सारा खून निकाल लिया है। पुलिस को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता है और इसलिए पुलिस एना की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। इंस्पेक्टर कार्टर जो कि इस केस को लीड कर रहा था उससे अपने असिस्टेंट से पता चलता है कि एना की जिस वक्त मौत हुई थी उस वक्त वो अपने दोस्तों के साथ थी, क्योंकि जेसिका के फादर जाने माने प्रोफेसर थे। इंस्पेक्टर कार्टर सबसे पहले उन्हीं के पास जाता है क्योंकि जेसिका उस वक्त अपने घर पर नहीं होती, इसलिए वो सारी बात उसके फादर जेम्स बैन हेंसिंग को बता देता है। सारी बातें सुनने के बाद जेम्स इंस्पेक्टर को बताता है कि ये काम किसी आम इंसान का नहीं बल्कि ड्रैकुला का है। वो लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं लेकिन तभी वहाँ पर जेसिका आ जाती है। कार्टर जेसिका से कहता है कि हमें एना की लाश मिली है और मरने से पहले
एना ने सिर्फ तुमसे ही बात की थी, इसलिए हमें साफ साफ बताओ कि उस रात को उस चर्च में हुआ क्या था। जेसिका समझ जाती है कि जॉनी ने हम सबको झूठ बोला था और इसलिए वो कार्टर को सारी की सारी सच्चाई बता देती है कि उस रात को हुआ क्या था। हम दूसरी तरफ देखते हैं कि जॉनी एक नई लड़की लॉरा को लेकर चर्च में आया है, जहां ड्रैकुला लॉरा का भी खून पीकर उसे मार डालता है। अगले दिन पुलिस को जेसिका की दोस्त एलन की बॉडी मिलती है, जिसके शरीर से भी सारा का सारा खून निचोड़ लिया गया था। पुलिस वाले जेम्स को बुलाते हैं ताकि वो उनके बारे में कुछ बता सके। जेम्स कहता है कि ये काम वैम्पायर का है और अगर तुम साथ दो तो मैं उसे मारने के लिए तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कार्टर को लग रहा था कि जेम्स अपनी बेटी को बचाने के लिए ये सब नाटक कर रहा है और इसीलिए वो उसकी बात को इग्नोर कर देता है। आगे हम बॉबी को देखते हैं जो जेसिका को मिलने के लिए उसके घर आता है। बॉबी जेसिका को अपने साथ एक पार्टी में ले जाना चाहता है। जेसिका पहले तो मना करती है लेकिन बहुत रिक्वेस्ट करने पर मान जाती है। पार्टी में पहुंचने के बाद जेसिका जॉनी को देखती है, जो कि एक वैम्पायर में बदल चुका था। जॉनी जेसिका के गले से लॉकेट हटा देता है और बॉबी जेसिका का खून पीना चाहता है, लेकिन जॉनी उसे ऐसा करने से रोक लेता है क्योंकि जेसिका ड्रैकुला का शिकार थी। आगे जेम्स को जब पता चलता है कि जेसिका अपने घर पर नहीं है तो जेसिका को ढूंढने के लिए जेम्स क्लब में जाता है। क्लब में आने के बाद उसे जेसिका का लॉकेट मिलता है। जेम्स समझ जाता है कि जेसिका जॉनी के कब्जे में है। आगे जेसिका को ढूंढते हुए जेम्स जॉनी के घर आ जाता है और उससे अपनी बेटी जेसिका के बारे में पूछता है। जॉनी उसे जवाब देने की बजाय जेम्स पर हमला कर देता है, उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन जेम्स जैसे तैसे करके जॉनी को मार डालता है। इस दुर्घटना की जगह पर पुलिस भी आ जाती है। वो जॉनी को देखती है जो अपने वैम्पायर रूप में मरा पड़ा था। कार्टर को अब जेम्स की बातों पर विश्वास हो जाता है, इसीलिए वो जेसिका को ढूंढने के लिए उसकी मदद करता है। आगे हम ड्रैकुला को देखते हैं जो कि जेसिका को छूने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जेसिका के गले में लॉकेट होने की वजह से ड्रैकुला उसे छू नहीं पाता, इसलिए वो जेसिका के गले से वो लॉकेट निकाल देता है। नाउ हम व्यूवर्स देखते हैं कि ये ड्रैकुलास और वैम्पायर्स क्रॉस के निशान से डरते हैं। ड्रैकुला जैसे ही जेसिका का खून पीने के लिए आगे बढ़ता है, वहां पर जेम्स बेन हेल्सिंग आ जाता है और वो ड्रैकुला पर हमला कर देता है, जिसके बाद ड्रैकुला और बेन हेल्सिंग आपस में लड़ने लगते हैं। इस लड़ाई में ड्रैकुला बेन हेल्सिंग को पूरी तरह से घायल कर देता है, लेकिन जेम्स बेन हेल्सिंग जैसे तैसे करके ड्रैकुला को मार देता है और इस बार ड्रैकुला हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी में मिल चुका था। ड्रैकुला के मरने के बाद जेसिका हिप्नोटिज्म से बाहर आ जाती है और इस तरह जेम्स बेन हेल्सिंग अपनी बेटी जेसिका को ड्रैकुला से बचा लेता है और इसी के साथ ये मूवी खत्म होती है।